इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से पहले ही लॉकडाउन व कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं कोरोना से पीड़ित संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी काफी मुस्तैद है, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, शहर के नायता मुंडला गाँव के मुस्लिम इलाके में बिना परमिशन के धड़ल्ले से क्लिनिक चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, क्लिनिक में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हालांकि मरीजों का कहना है कि हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो रहा है। वहीं मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास डिग्री होम्योपैथिक की है और इलाज एलोपैथिक का करते हैं। जब हमारे कैमरामैन ब्रजेश जगरिया के साथ रिपोर्टर अमृतपाल सिंह ने क्लिनिक के डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। साथ ही वहां खड़े लोगों द्वारा बदतमीजी भी की गई। बाद में हमारे रिपोर्टर ने स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी से अवगत करा दिया है। गौरतलब है कि इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव इन्हीं मुस्लिम इलाकों से है। सही है आपकी, आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस समय, ट्रीटमेंट आपका बनता है नहीं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सेवा दे रहे हैं पेशेंटों को बस। हम ये देख रहे हैं आपका, क्या आयुर्वेदिक है, इंजेक्शन और